नमस्कार। 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल त्रिपाठी। सबसे पहले नजर डालते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मन की बात कार्यक्रम के 95वें संस्करण का किया संबोधन। 130 करोड़ जनता से साझा किए अपने विचार। वाद्य यंत्रों के निर्यात में अप्रत्याशित बढ़ोतरी। हस्तकला से निर्मित G20 के लोगो और पहले स्वदेशी विक्रम, इसकी सफलता की कहानी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में लगाई जाएगी एक माह तक ODOP की प्रदर्शनी। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया, समिट में 10 लाख करोड़ के निवेश का है लक्ष्य। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में चुनावी रैली को किया संबोधित, कहा जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में और गुजरात में भाजपा फिर बनाएगी सरकार। आप सबका स्वागत है दूरदर्शन समाचारों में। अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम की 95वीं कड़ी को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिले के एक बुनकर यल्धी हरिप्रसाद गारू के द्वारा निर्मित G20 के लिए बनाए गए लोगों की चर्चा की। गौरतलब है कि भारत इस बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। राजन्ना सिरसिल्ला जिले में एक बुनकर भाई है यल्धी हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का यह लोगो बुन करके भेजा है। यह शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरानी रह गया। हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लोगो के साथ ही मुझे चिट्ठी भी भेजी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देश की इसी उपलब्धि की खुशी में उन्होंने G20 का यह लोगो अपने हाथों से तैयार किया है। बुनाई की यह बेहतरीन प्रतिभा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है और आज वे पूरे पैशन के साथ इसमें जुटे हुए हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुझे G20 लोगो और भारत की प्रेसिडेंसी की वेबसाइट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला था। इस लोगो का चुनाव एक पब्लिक कॉन्टेस्ट के जरिए हुआ था। प्रधानमंत्री ने 18 नवंबर को स्पेस सेक्टर में किए गए काम की चर्चा करते हुए कहा कि श्रीहरिकोटा से एस विक्रम नाम के स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप ने ऐतिहासिक उड़ान भरी। विक्रम एस रॉकेट कई सारी खूबियों से लैस है। साथ ही उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी से हिमाचल के स्वादिष्ट किन्नौरी सेब लोगों तक पहुंचाने की बात का भी जिक्र किया। 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। साथियों, विक्रम एस रॉकेट कई सारी खूबियों से लैस है। दूसरे रॉकेट्स की तुलना में यह हल्का भी है और सस्ता भी है। इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट अंतरिक्ष अभियान से जुड़े दूसरे देशों की लागत से भी काफी कम है। कम कीमत में विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी में अब तो ये भारत की पहचान बन चुकी है। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े इनोवेशंस की बात कर रहे हैं तो ड्रोन्स को कैसे भूल सकते हैं। ड्रोन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में
ड्रोन्स के जरिए सेव ट्रांसपोर्ट किए गए। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से हिमाचल के स्वादिष्ट किन्नौरी सेव लोगों तक और जल्दी पहुंचने लगेंगे। इससे हमारे किसान भाई बहनों का खर्च कम होगा, सेव समय पर मंडी पहुंच पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के गायक की कुछ पंक्तियां भी अपने श्रोताओं को सुनाई, जिसे गांधी जी के 150वीं जन्म जयंती समारोह के दौरान गाया गया था। साथ ही उन्होंने भारतीय संगीत वाद्यों की चर्चा करते हुए कहा कि बीते 8 वर्षों में भारतीय संगीत वाद्यों का निर्यात 60 गुना बढ़ा है। हाल के वर्षों में हमारे देश ने उपलब्धियों का एक लंबा सफर तय किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारतीय और विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी अब रुकने वाली नहीं है। प्रिय देशवासियों, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लिप प्ले करने जा रहा हूं। वैष्णव जन तो देने का ही एज पीर पराई नवजन तो देने का ही एज पीर पराई जान रे पर दुखे उपकर करे तो ये मन अभिमान नान रे। आप सभी ने इस गीत को कभी न कभी जरूर सुना होगा। आखिर यह बापू का पसंदीदा गीत जो है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसे सुरों में पिरोने वाले गायक ग्रीस के हैं तो आप हैरान जरूर हो जाएंगे और ये बात आपको गर्व से भी भर देगी। इस गीत को गाने वाले ग्रीस के गायक हैं कौन सतान दिनोस कलाइजिस। उन्होंने इसे गांधी जी के 150वें जन्म जयंती समारोह के दौरान गाया था। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को आजमगढ़ के लालगंज जिले के लोगों ने भी सुना। आइए चलते हैं अपने संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह के पास और जानते हैं लोगों की क्या है प्रतिक्रिया। हरिकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का ये 95वां संस्करण था। आप जहां मौजूद हैं बड़ी संख्या में, जाहिर वहां भी लोगों ने प्रधानमंत्री की बातें इस कार्यक्रम में सुनी होंगी, क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के बारे में, इस संस्करण के बारे में खास तौर पर? अनिल, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आजमगढ़ के निजामाबाद में मैं मौजूद हूं और यहां पर बहुत से पुरुष और महिलाएं मन की बात सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। निजामाबाद की एक खासियत है, ये पॉटरी यहाँ पे बनता है और अब तो विश्व प्रसिद्ध हो चुका है क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल के लिए। और यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद का जो उत्तर प्रदेश सरकार एक योजना लेकर सरकार एक योजना लेके चल रही है, बार बार डबल इंजन की सरकार का जो जिक्र होता है उससे इन उत्पादों को जैसे मानो पंख लग गए हों, ये विश्व के विभिन्न देशों में अपना स्थान बना रहे हैं। साथ ही जो आसपास के या डोमेस्टिक लेवल पे भी कह सकते हैं कि इनकी पहचान बन रही है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं अगर वाराणसी में कुछ इस तरह की प्रदर्शनी लगती है तो भी ये वहाँ पर दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगर कोई इस तरह का आयोजन होता है, चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो या फिर वाराणसी हो, तो उस जगहों पर भी ये पॉटरी जो निजामाबाद की प्रसिद्ध हो चुकी है, पहले से बनती रही है, लेकिन जो उड़ान मिलनी चाहिए वो नहीं मिली थी, वो इन सरकारों ने किया है। यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं जो इनको बनाने का काम करती हैं, उन लोगों ने भी आज यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर जो है वहाँ पे आके मन की बात सुनने का काम किया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जो मन की बात प्रधानमंत्री ने की उस पर? देखिए, प्रत्येक बार मन की बात में प्रधानमंत्री जी जो देश के उत्पाद हैं उनकी चर्चा करते हैं, देश में जो लोग काम कर रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। और उत्तर प्रदेश के लिए तो आज गर्व और गौरव का दिन है जब प्रधानमंत्री ने लखनऊ से सटे
हरदोई के गांव की चर्चा की, वहां के शिक्षा की चर्चा की, वहां के लाइब्रेरी की चर्चा की, निश्चित तौर पर इससे उत्साहवर्धन होता है और बाकी को प्रेरणा मिलती है, चाहे ड्रैगन फ्रूट का विषय रहा हो, चाहे बाराबंकी के गमछे का विषय रहा हो, बहुत सारे उत्पादों को लेकर प्रधानमंत्री जी लगातार चर्चा करते हैं, निश्चित तौर पर उत्साह भरने का काम करते हैं। अनिल, आप देख सकते हैं कि इनके अंदर कितना उत्साह भरा हुआ है जब उत्तर प्रदेश के जिलों का जिक्र आया है प्रधानमंत्री द्वारा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो मन की बात में? मन की बात में हम ब्लैक पॉटरी पे कुछ बात करना चाहते हैं। और ब्लैक पॉटरी हम लोग के लिए एक जनपद एक उत्पाद का जब से हुआ है तब से बिक्री भी बढ़ गई है और बहुत अच्छा कार्य हुआ है, तब से बहुत अच्छा चल रहा है। जब से सरकार आई है हम लोगों का कारोबार बहुत आगे बढ़ा है, जैसे मिट्टी का मांग बहुत ज़्यादा हो गई है, हर एक इसका बर्तन हर एक जगह इस्तेमाल हो रहा है, अब शादी विवाह में जैसे। देखिए ये महिलाएँ हैं, जागरूक हैं, इन्हें जानकारी है और किस तरह से इनको पता है कि जो चल रहा है इस समय, सरकारें जो काम कर रही हैं उससे इनको भी किस तरह से लाभ हो रहा है कि इनकी बढ़ोतरी हुई है ये जो काम कर रही हैं इसकी बिक्री में। और जैसा कि मैं बता भी रहा था, चूंकि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से एक विशेष लगाव है उनको, और जो उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है एक जिला एक उत्पाद के तहत, उसमें आजमगढ़ का ये जो पॉटरी का उद्योग है उसको एक विशेष मान्यता मिली हुई है और अपने आप में काफी ख्याति प्राप्त कर चुका है। प्रधानमंत्री ने जो लोकल उत्पाद हैं जिनके लिए जो काम किया है, उनके लिए जो लोगों को प्रेरित किया है, उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अनिल जी, जी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया वहां से लोगों की देखने सुनने को मिल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋकेश इस रिपोर्ट के लिए। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से काशी आने वाले सभी श्रद्धालुओं का काशी विश्वनाथ मंदिर में अभूतपूर्व स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन द्वारा विभिन्न समूहों में आए इन लोगों को विधिवत पूजन अर्चन कराने के साथ ही इनके भोजन का प्रबंध भी किया जा रहा है। स्वागत की इन्हीं तस्वीरों के बारे में, इन्हीं क्षणों के बारे में हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर की ये रिपोर्ट देखते हैं। स्वागत का यह माहौल है जो दल आया है आध्यात्मिक समूह का, लोगों का, जितने भी पंडित जी लोग यहाँ पे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में शामिल हैं, इनको यह अंगवस्त्रम और माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। पुष्प वर्षा करके जिस तरह से इन लोगों का स्वागत किया जा रहा है काशी विश्वनाथ धाम में, यह अनूठा अनोखा है। आप पंडित जी कुछ बताइए जो आप लोग स्वागत बाबा विश्वनाथ के दरबार में तमिल सम्मेलन हो रहा है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि तमिल से यहाँ पर लोग आए हैं, सभी का यहाँ पर सम्मान है, सूचक है, सभी ब्राह्मण सबका सम्मान कर रहे हैं, सबका सम्मान है, उसके बाद सबका भोजन की व्यवस्था है, सारा सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। काफी विगत वर्षों से, विगत दिनों से कार्यक्रम चलते हुए आ रहा है और आगे भी ये कार्यक्रम चलेगा, अभी काफी देर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हर महादेव उत्साहित हैं इन लोगों का स्वागत करके, अपने काशी के तरीके से स्वागत कर रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम में आए हुए इन अपने अतिथियों का, इस तरह का स्वागत जिससे अभिभूत है यह समूह पूरा। कैमरा पर्सन मनोज साहनी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज। समाचार अभी और भी हैं लेकिन उनसे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। इसका सब प्रॉपर चलता है? कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कल समीक्षा बैठक की जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन को लेकर होने वाले 17 देशों के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्री नंदी ने कहा कि रोड शो के साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन भव्य ही नहीं भव्यतम हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। मंत्री नंदी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश का फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है, योगी सरकार की बेहतर नीतियों के कारण आज उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना आसान हुआ है, सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र पोर्टल से निवेशकों को फायदा हुआ है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए 10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ACS अरविंद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अवध शिल्पग्राम में लगभग 1 माह तक ODOP प्रदर्शनी लगाई जाएगी, साथ ही एक भव्य इंटरसिटी का निर्माण कराया जाएगा जिसमें करीब
500 टेंट लगाए जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संदर्भ में विदेशी दौरों की शुरुआत 9 दिसंबर से होगी। विदेशों में होने वाले रोड शो के दौरान निवेशकों को ODUP के सामान दिए जाएंगे। विदेश दौरों के तहत USA, जर्मनी, कनाडा, UAE, थाईलैंड, जापान, इसराइल, अर्जेंटीना, मेक्सिको, बेल्जियम, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, सिंगापुर, नीदरलैंड में दौरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत पे भी सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश को मान रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में आवश्यक मात्रा में जो आवश्यक है इंडस्ट्री के लिए कि कानून व्यवस्था ठीक हो, उत्तर प्रदेश में पूरे देश के एक्सप्रेसवे का लगभग 50% हमारे पास एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश में जब हम सरकार में आए थे केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 9 एयरपोर्ट संचालित है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर बनने जा रहा है। निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बने, उसमें बहुत ही सहायक होगा और हमारा जो 10 लाख करोड़ का टारगेट है उसको हमें। इसरो ने कल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ओशनसैट 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया है। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 11:56 पर किया गया। सैटेलाइट ओशनसैट 3 को धरती से 743 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। साथ ही आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 8 नैनो उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PSLV-C54 के सफल प्रक्षेपण मिशन पर इसरो को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि EOS-6 उपग्रह से समुद्री संसाधनों के श्रेष्ठ उपयोग में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों फिक्सेस स्पेस और ध्रुव स्पेस के 3 उपग्रहों के प्रक्षेपण से नए युग की शुरुआत हुई है। इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारतीय प्रतिभा का पूरा उपयोग किया जा सकता है। भारत औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप में चल रही G20 देशों के मिशन प्रमुखों और राजनयिकों की बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। जहां भारत अपनी अध्यक्षता में G20 का क्या हो फोकस, इस पर सहमति तैयार करने का प्रयास कर रहा है ताकि भारत की अध्यक्षता में G20 आपसी समन्वय समावेशी प्रयासों के वैश्विक कल्याण के लिए काम कर सके। औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभालने से कुछ दिन पहले शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्वराज द्वीप G20 देशों के मिशन प्रमुखों और राजनयिकों की बैठक का गवाह बना। बैठक का आयोजन भारत के G20 में मुख्य फोकस को उजागर करने के लिए किया गया। भारत चाहता है कि उसकी अध्यक्षता समावेशी और कार्य उन्मुख हो। वी हाईलाइटेड इंडियाज प्रायोरिटीज ऑफ inclusive and sustainable growth, climate finance, accelerated action on SDGs. So all these issues were brought to their knowledge and they've been requested to play a very active, very critical role. They will been told that India wants its presidency, as the Prime Minister has said, to be very inclusive, to be reform oriented, to be action oriented. We will be very decisive and we want all the countries to partner us in this process. G20 की अध्यक्षता से पूर्व इस बैठक में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने भारत की वृद्धि, विकास की कहानी और किस तरह से भारत अपनी अध्यक्षता को महत्वाकांक्षी, कार्य उन्मुख और निर्णायक बनाने की योजना बना रहा है, इसकी रूपरेखा पेश की। कांत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों से अपने देश के राजदूतों के रूप में नहीं बल्कि भारत के राजदूतों के रूप में कार्य करने का आग्रह किया ताकि वे नीतिगत एजेंडे पर आम सहमति बनाने में सक्षम हो सकें। ऑल द 43 एम्बेसडर्स आर हियर इन अंडमान। वी हैड मेड अ प्रेजेंटेशन टू देम ऑन ऑल द वर्किंग ग्रुप्स ऑन व्हाट इंडियाज प्रायोरिटीज आर एंड वी इन requested them that they must act not as the ambassador of their country, but they should also act as our ambassadors to ensure that their ministers, their sherpas, their participation is full. They should come prepared because our issue notes have been circulated. They should
be fully interacting with us so that we are able to arrive at a consensus. G20 में भारत के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने बैठक में कहा कि भारत ने सदस्य देशों के बीच समन्वय का आह्वान किया ताकि उसकी अध्यक्षता को सफल बनाया जा सके. G20 Sherpa gave a very detailed overview of not only our country's I would say main achievements in the socio-economic area but how we intend to use our platforms to take the G20 agenda forward. And of course, on my side, I also presented organizationally what are the preparations for our G20 presidency, how we propose to approach many of the important issues, and how we want the support and cooperation of G20 countries and the embassies which are in India in making sure that our presidency is a successful one. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में G20 की अध्यक्षता के प्रतीकात्मक हस्तांतरण में गैवल सौंपा था. गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान के तहत कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली को संबोधित किया. योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के जिला गीर के सोमनाथ विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता एक बार फिर भाजपा सरकार के विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की नीतियों पर भरोसा जताएगी. इस मौके पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर चुनावी प्रहार किए. प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में भारत के विरासत का सम्मान हो रहा है. भारत के इस विरासत को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य हो रहा है और साथ साथ विरासत के सम्मान के साथ ही भारत के उन सभी हुतात्माओं को, अमर शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उनके प्रति भी पूरे भारतवासी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं. और इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के इस मंदिर की उस कालखंड में रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर हमीर जी गोहिल को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं. ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितेशी है. अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है? पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है. भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है, इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो उसको वोट दे करके हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें, कतई न करें. वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम पर दूरदर्शन समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति आप देख सकते हैं 27 नवंबर रविवार को दिन में 2:30 बजे, जबकि इसका पुनः प्रसारण होगा शाम 7:30 बजे. काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है.
इमामों को पारिश्रमिक देने के 1993 के उच्चतम न्यायालय के आदेश को केंद्रीय सूचना आयोग ने संविधान का उल्लंघन माना है। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि ऐसा करके गलत मिसाल पेश करने के साथ ही अनावश्यक राजनीतिक विवाद और सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा दिया गया। केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने दिल्ली सरकार और दिल्ली कोर्ट द्वारा इमामों के वेतन वितरण की मांग करने वाली एक अर्जी के जवाब में यह कहा। एक कार्यकर्ता द्वारा दायर आरटीआई की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत का ये आदेश संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। संविधान में कहा गया है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया जा सकता। इस मामले में केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने इन दोनों विभागों के जन सूचना अधिकारियों को नोटिस जारी कर 18 नवंबर को सुनवाई के लिए पेश होने का निर्णय दिया था। केंद्रीय सूचना आयोग का कहना है कि शीर्ष अदालत ने इमामों का वेतन का आदेश देकर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया। यह खासतौर पर अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया जा सकता। उदय माहुरकर ने निर्देश दिया कि उनके आदेश की एक प्रति उपयुक्त कार्रवाई के साथ केंद्रीय कानून मंत्री को भेजी जाए, ताकि सभी धर्मों के पुजारियों इमामों के मासिक वेतन मामले में संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक प्रावधानों को समान ढंग से लागू किया जा सके। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में ग्राम ककरौगा में आयोजित खिचड़ी पंचायत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वोटों की जागीरदारी नहीं, विकास की हिस्सेदारी असल मुद्दा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुशासन की डोर को समावेशी विकास के छोर तक पहुंचा रहे हैं, समाज की सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समावेशी सुशासन का संकल्प गरीबों की जिंदगी में खुशहाली और उनकी तरक्की की गारंटी है। मोदी योगी ने समाज के सभी तबकों को सम्मान के साथ समृद्ध और सशक्तिकरण का बराबर का साझेदार बनाया है। इसके लिए काम करना, अब कुछ लोगों की आदत है योगी जी को कोसना, मोदी जी को कोसना, किसी और को कोसना। मैं तो उनको मेरा मान की सलाह यही दूंगा कि शेर की तस्वीर पर तीर जला करके तीर मारखा बनने की जरूरत नहीं है, और ऐसे तीर मारखाओं का क्या हश्र होता है वो उसे कहने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को ये जो हमारी खिचड़ी पंचायत है इसके माध्यम से हम सब लोगों से अनुरोध करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के नाम पर, विश्वास के नाम पे, लोगों की सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प के नाम पर इस बार भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को तैयारियों से संबंधित टिप्स देते हुए कहा कि कैसे हमें जन जन तक जाकर वोटिंग करानी है, उसकी तैयारियां सभी कार्यकर्ता अभी से कर लें। काशी तमिल संगमम के आयोजन पर उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये बहुत अच्छा स्वरूप है, दोनों संस्कृतियों के मिलन से काशी और दक्षिण भारत दोनों में बहुत खुशी है। इस कार्यक्रम में पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य के अलावा कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव और शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी भी मौजूद थे, जबकि हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में भाग लिया। सच्चा स्वरूप है और जिसके कारण से तमिलनाडु में भी और उत्तर प्रदेश काशी में भी एक खुशी की लहर है, और नगर निकाय के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं उसके क्रम में आज वाराणसी नगर निगम के कार्यकर्ताओं की जो व्यवस्थाओं में चुनाव की तैयारियों में लगे उनके साथ एक बड़ी बैठक थी, जिसमें हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मन की बात कार्यक्रम के 95वें संस्करण का किया संबोधन। 130 करोड़ जनता से साझा किए अपने विचार। वाद्य यंत्रों के निर्यात में अप्रत्याशित बढ़ोतरी। हस्तकला से निर्मित G20 के लोगो और पहले स्वदेशी विक्रम एस की सफलता की कहानी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में लगाई जाएगी एक माह तक ODOP की प्रदर्शनी। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया समिट में 10 लाख करोड़ के निवेश का है लक्ष्य। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में चुनावी रैली को किया संबोधित, कहा जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में और गुजरात में भाजपा फिर बनाएगी सरकार। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।